नमस्कार दोस्तों, इंडियन गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नरेंद्र और आज के इस वीडियो में आपको एक अनबॉक्सिंग बताने वाला हूं पीएचएम के न्यू अपडेटेड सेटअप बॉक्स की, जो है ईलिंक स्मार्ट का भी अपडेटेड और पीएचएम वन का जो अब तक का सबसे अपडेटेड सेटअप बॉक्स। बात करें सेटअप बॉक्स की तो इसका मॉडल नंबर जो दिया गया है 9090 बताया गया है पीएचएम वन का, बट वैसा कोई भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं, जैसा आप इस फ्रंट पैन देख रहे हैं, पीएचएम वन फ्री व्यू सेटअप बॉक्स लिखा हुआ है और फ्री डीटीएच के लिए काम आता है, फ्री डिश के लिए होता है और यहाँ पर वाईफाई सपोर्ट करता है, यूट्यूब सपोर्ट करता है, साथ ही ऑल फॉर्मेट मीडिया प्लेयर मतलब वाईफाई एंड यूट्यूब यानी कि सभी प्रकार के जो मीडिया फॉर्मेट है वो सपोर्ट करता है, प्ले करता है। ये फॉर्मेट्स का सभी का मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन लिखा गया है कि सारे ये सपोर्ट करता है। यहाँ पर 3D पिक्चर क्वालिटी, डिजिटल ऑडियो आउटपुट, टीवी रिकॉर्डिंग, मल्टी वर्जन डिस्क्यूसी यूज इसमें कर सकते हैं और PVR फंक्शन इसमें आपको उपलब्ध होता है। MPG4 1080 ये सपोर्ट करता है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस ऑडियो वीडियो प्लेबैक के लिए यूज की जा सकती है, यानी कि आप अगर प्ले करना चाहते हैं कोई वीडियो आउटसाइड द सेटअप बॉक्स तो उसके लिए आप ऑडियो वीडियो जो भी है उसे आप बाय द USB इसमें लगा सकते हैं। यहाँ से देखें इस तरह से तो कुछ ऐसा सेटअप बॉक्स दिख रहा है और यहाँ पर अगर पढ़ते हैं थोड़ी सी डिटेल्स हम थोड़ी डिटेल में, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई है इसके बारे में कि यह क्या क्या सपोर्ट करता है, कितने चेपल चैनल स्कैन है और ऑन द एयर ये सॉफ्टवेयर ले सकता है, ये सारी जानकारी इसमें लिखी हुई है। टोटल चैनल की बात करें तो 8000 तक की इसकी मेमोरी है और टीवी और रेडियो दोनों ही तरह के चैनल आ सकते हैं और MPG4 सेटअप बॉक्स है H264 और यहाँ पे देख सकते हैं सारी डिटेल्स और ये जितने जो फॉर्मेट सपोर्ट करता है जिसकी जानकारी भी नीचे लिखी हुई है। यह आप देख सकते हैं, ये है इमेज फॉर्मेट, ये है MP3 का सो फॉर्मेट यानी कि ऑडियो फॉर्मेट और उसके बाद में वीडियो फॉर्मेट भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये आप ये देख सकते हैं। इसके बाद में इसे ओपन करते हैं, इससे पहले मैं एक बार आपको बैकग्राउंड दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरह का बैकग्राउंड आपको मिलता है जैसा कि पीएचएम के पुराने बॉक्सेज में मिलता था, जहां पर आपको पूरी जानकारी मिलती है कि कौन कौन से चैनल इसमें चलते हैं और उनके क्या क्या ट्रांसपोंडर हो सकते हैं, ये पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। और अगर आप कोई टीपी नहीं मिल रही है तो वो ट्रांसपोंडर भी यहाँ से देख के आप यूज कर सकते हैं। तो ये दो तरह के जो सैटेलाइट है फ्री टू एयर ABS और DD फ्री डिश दोनों पे ही काम में लिया जा सकता है और बाकी और पे भी काम करेगा अच्छे से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दोनों सैटेलाइट फ्री के लिए होते हैं तो फ्री में यहाँ से यूज कर सकते हैं चैनल्स को। वह सभी सेटअप बॉक्स सैटेलाइट्स पे ये सपोर्ट करता है और दोनों सी बैंड और के बैंड दोनों पे ये सपोर्ट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबसे पहले खोलते हैं इसके रिमोट को, रिमोट आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ किस तरह का रिमोट इसमें आपको मिलता है। तो रिमोट कुछ इस तरह का मिलता है, जो एक नॉर्मल क्वालिटी का रिमोट है, यानी कि ज़्यादा हाई क्वालिटी भी नहीं है और मीडियम क्वालिटी का आपको ये मिल जाता है। सेम पगारिया 50-50 सेटअप बॉक्स में जो मिलता है वैसा ही ये आपको मिलता है। पीएचएम वन का लोगो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं ऑडियो वीडियो केबल की, तो ये हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो केबल मिलती है, बहुत ही मोटी है, आप देख सकते हैं यहाँ से मोटी केबल आपको मिलती है और अच्छी क्वालिटी की है ऑडियो क्वालिटी ऑडियो वीडियो की जो केबल है, लेकिन हम ज़्यादा का यूज़ नहीं करते, हम HDMI यूज़ करते हैं, लेकिन इसे भी यूज़ किया जा सकता है अगर आप TV यूज़ करते हैं, बट अगर आप LCD यूज़ करते हैं तो ऐसी स्थिति में इसे यूज़ नहीं करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके बाद में बात करते हैं इसके अडेप्टर की, तो कुछ इस तरह का अडेप्टर मिलता है जैसा कि फ्री सेट V8 जो मीटर है उसमें अडेप्टर मिलता है, वैसा ही कुछ अडेप्टर में मिलता है आपको। ये 12 वोल्ट DC आउटपुट देता है और बहुत ही अच्छा अडेप्टर है, इसमें अभी एक भी शिकायत इस अडेप्टर के बारे में मुझे नहीं मिली है। इसके बाद में अगर खोलते हैं सेटअप बॉक्स को तो कुछ इस तरह का सेटअप बॉक्स हमें मिलता है, जो एक सिंपल सी पैकिंग में हमें मिलता है। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट पैनल की तो फ्रंट पैनल में कुछ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पे लिखा होता है, ये पावर का बटन मिलता है और यहाँ पे सिग्नल दिखाया जाता है। यहाँ पे पैनल है जिसमें आपको डिस्प्ले मिलती है और स्टैंड बाई यहाँ पे दिखाता है, यहाँ पे दो लाइट्स आती रहती है, यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई है और पीएचएम का लोगो लगा हुआ है। बात करते हैं इसके आगे की, इसमें क्या है हिडन में, तो हिडन में यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे अप डाउन के बटन, मेन्यू ओके के बटन और USB के जो पोर्ट है यहाँ पे आपको मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे कार्ड इंसर्ट करने का फीचर भी दिखाया गया है, लेकिन इसमें कार्ड नहीं लगता है, नहीं अंदर कोई भी ऐसी मशीन है जिसमें कार्ड लगाया जा सकता है, तो ये चीज मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद में जैसा कि जो बटन्स होते हैं सामने की फ्रंट पैनल में अच्छे नहीं लगते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए पैनल की जो बटन्स हैं उनको दबाने के लिए ऐसा कुछ पैनल इसमें बनाया गया है जो आप देख सकते हैं। बात करते हैं बैक साइड की, तो कुछ इस तरह से बैक साइड में आप जाते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको मिलते हैं। एक तो एंटीना इन यानी कि LMB इन का ऑप्शन मिलेगा, USB ऑप्शन होगा, HDMI आउट होगा, ऑक्स का भी मिलता है जिसमें अगर आप ऑडियो आउट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं ऑडियो वीडियो के अलावा,
अब तक का सबसे पहला सेटअप बॉक्स है जिसमें ऑक्स आपको अलग से मिलता है और ऑडियो वीडियो केबल की जो मिलते हैं पोर्ट्स वो तो आपको मिल ही रहे हैं। इसके बाद में 12 वोल्ट DC इसमें मिलता है। तो यहाँ पे हम फाइनली हम अगर बात करते हैं तो 2 USB पोर्ट आपको मिलता है, एक HDMI केबल के लिए आउटपुट मिलता है और LMB इन होता है, ऑडियो वीडियो के केबल्स लगाने के पोर्ट आपको मिलते हैं और ऑक्स का ऑप्शन आपको मिलता है। बात करते हैं इसके पैनल की, तो अंदर से किस तरह का क्या इंस्टॉलेशन होगा सारी जानकारियां मैं आगे के वीडियो में आपको देने वाला हूं। और मैं बता दूं कि इस सेटअप बॉक्स में सारे फीचर्स अवेलेबल है जो आपको आवश्यकता होती है। साथ ही मैं बता दूं कि हॉटस्टार का जो ऑप्शन है उसमें नेटवर्क की वजह से कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वैसे इसमें हॉटस्टार का जो ऑप्शन है बहुत अच्छे से वर्क करता है, कभी कोई समस्याएं नहीं होती है। तो चलते हैं इसके इंस्टॉलेशन की तरफ और इसके दोस्तों अनबॉक्सिंग के बाद हम आ चुके हैं इस सेटअप बॉक्स के इंस्टॉलेशन की तरफ। और इंस्टॉलेशन से पहले आपको एक एक चीजें बता देता हूं कि क्या क्या इसमें आपको किस तरह से लगाना है। तो यहां से इस तरह से आप सेटअप बॉक्स निकाल लीजिएगा। सेटअप बॉक्स के बाद में एक आपको इसकी आवश्यकता होगी अडैप्टर की, एक रिमोट की आवश्यकता होगी और रिमोट में निकाल लेता हूं। उसके बाद में ऑडियो वीडियो केबल यूज नहीं कर रहे क्योंकि HDMI केबल है हमारे पास में, तो वो लगाएंगे और सेटअप बॉक्स को इंस्टॉल करते हैं। और इंस्टॉलेशन के बाद में इसका मेन्यू और सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ उस वीडियो में। मे भी आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं और भी लोग इस बारे में जाने तो शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ऊपर से आने वाला एंटीना का वायर कनेक्ट कर लेते हैं। एंटीना वायर कनेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट हमें HDMI केबल इसमें इंसर्ट करनी है। ये देख सकते हैं HDMI केबल। HDMI केबल को करने के बाद में यहां पर एडप्टर का तार हम लगा लेंगे। ये एडप्टर देख सकते हैं। और एडप्टर लगाने के बाद में अब दोनों को, टीवी को और सेटअप बॉक्स दोनों को ही हम ऑन कर देते हैं। यहां से हमारा टीवी भी ऑन हो चुका है और देख सकते हैं सेटअप बॉक्स भी बूट होने स्टार्ट हो गया है। ये देख सकते हैं टीवी चालू हो गई है। तो मैं कैमरे को जूम कर लेता हूँ डायरेक्टली अब टीवी पर और सारी डिटेल्स आपको टीवी पर मैं दिखाता हूँ। स्क्रीन आप देख सकते हैं सेटअप बॉक्स की ऑन हो चुकी है। PHM का वही लोगो है, वही आपका स्टार्टिंग होता है जैसा कि पहले था। इसके बाद में डायरेक्टली मैं इसके म्यूट कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ चैनल दिखा देता हूँ। फर्स्ट नंबर चैनल मैं आपको यहाँ प्ले कर रहा हूँ ओनली इन्फॉर्मेशन के लिए, बाकी और कुछ भी नहीं है। 9X चल रहा, ये सारे चैनल अभी चल रहे हैं नॉर्मली जो है। इतने सारे चैनल हैं, इनमें से कुछ चल रहे हैं कुछ नहीं चल रहे। बात करते हैं फ्री टू एयर चैनल ही मैं यूज कर रहा हूँ, बाकी कोई चैनल अभी यूज नहीं कर रहा हूँ। तो फ्री टू एयर चैनल की ही मैंने आपको रिव्यू दिया। बाकी हम बात करने वाले थे मेन्यू की कि किस तरह का इसमें मेन्यू आपको मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ मेन्यू आपको मिलता है। अगर क्वालिटी की बात करें तो पिक्चर क्वालिटी PHM के जो पहले आने वाले लोहे के सेटअप बॉक्स थी वैसी ही पिक्चर क्वालिटी इसमें आपको मिल जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला ऑप्शन आपको एंटीना का मिलता है जिसमें एंटीना सेटअप आप कर सकते हैं। एंटीना सेटअप के बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वो सैटेलाइट ऑप्शन मिलता है। उसके बाद में TP मोटर सेटिंग और ये सारे ऑप्शंस ही आपको यहाँ पे मिलते हैं। कोई एक्स्ट्रा अलग से कोई ऐसा फीचर नहीं है जिससे फालतू आप परेशान नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो टीवी चैनल रेडियो चैनल की जो डिटेल्स है यहाँ पे दिखाई देती है और डिलीट ऑल भी यहाँ सेकंड ऑप्शन में मिल जाता है। थर्ड ऑप्शन जो आपको मिलता है वो मिलता है सिस्टम सेटिंग का, जिसमें आपको पहला ऑप्शन लैंग्वेज का, दूसरा AV का, OSD सेटिंग, सॉफ्टवेयर अपडेट, फैक्ट्री रीसेट, कलर सेटिंग, सिस्टम इन्फॉर्मेशन और लो कंट्रोल और टाइम सेटिंग की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हैं जो भी आप चाहें। और सिस्टम इन्फॉर्मेशन में आपको दिखा देता हूँ, इसमें है Mi NX V10.0 का इस तरह का सॉफ्टवेयर इसमें डाला हुआ है। फ्लैश मेमोरी इसकी 4 MB फ्लैश है और 64 MB SD रैम है और 23917 को इसका बिल्ड टाइम है, ऐसा कुछ डिटेल्स लिखी हुई है। बैक आते हैं और सिस्टम इन्फॉर्मेशन के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन में आपको बता देता हूँ कि क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है नेटवर्क सेटिंग का मिलता है। यूटिलिटी ऑप्शन में नेटवर्क सेटिंग पहला ऑप्शन मिलता है। ये ऑप्शन पहले आपको दूसरी जगह मिलता था तो डायरेक्टली यहीं पे मिल गया यूट्यूब के पास में। यह है नेटवर्क सेटिंग। नेटवर्क सेटिंग पे ओके करने के बाद में आप यहाँ पर वाईफाई लगा सकते हैं। वाईफाई लगाना चाहें तो वाईफाई लगा सकते हैं। अगर आप चाहें डेटा कार्ड लगाना तो डेटा कार्ड भी वो वर्क कर जाएगा। वाईफाई इसमें दो तरह के काम करते हैं, छोटा वाईफाई भी काम कर जाता है और बड़ा वाईफाई भी इसमें वर्क कर जाता है। तो यहाँ पे वेदर इन्फॉर्मेशन है, नेट कनेक्शन के बाद में यह चलेगा, यूट्यूब है, IPTV है, हॉटस्टार है और IPTV आप प्ले करना चाहते हो तो इस तरह से ओके करके VOD और म्यूजिक चला सकते हैं। म्यूजिक में अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है सिस्टम एरर की वजह से, बाकी सारी चीजें अभी चल रही है अच्छे से और बहुत ही अच्छा क्लियरिटी में देखा जाए
अच्छा सेटअप ऑप्शन है, मतलब कि एबीएस के जो चैनल है वो भी आपको अच्छे से इसमें दिखाई देने लग रहे हैं। अभी यहाँ पे फाइल, वीडियो, म्यूजिक और रिकॉर्ड फाइल्स यहाँ पे चलाई जा सकती है, पीवीआर मैनेजमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जो ऑप्शन जिसकी आप रिक्वायरमेंट मानते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलता है। इसे आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद में एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है जिसमें कुछ इस तरह की जानकारी आपको मिलती है। बैक करते हैं, कुछ सेटिंग इस तरह की मिलती है यहाँ पे कुछ ऐसा, और ये कुछ ऐसा ऑप्शन मिलता है। बैक आ जाते हैं, वापस इसे बंद कर देते हैं और उसके बाद में देखिएगा नेटवर्क सेटिंग मिलता है। तो नेटवर्क सेटिंग के लिए मैं वाईफाई लगाकर आपको दिखाता हूँ। दो तरह के वाईफाई वर्क करते हैं, एक तो इस तरह का वाईफाई आप ये लगा सकते हैं या फिर एक छोटा वाला लगा सकते हैं। दोनों ही सक्सेसफुल है, दोनों ही अच्छे से चलते हैं। अभी जो वाईफाई लगा रहा हूँ मैं इस तरह का, ये छोटा वाईफाई आपको लगा के दिखा रहा हूँ। तो छोटा लगाते हैं, लगाते ही यहाँ पे वाईफाई आपको दिखा देगा और ऑटोमेटिक कनेक्टिंग स्टार्ट हो जाता है, स्कैन होता है, स्टार्ट होता है। और कोई भी अगर यहाँ पे वाईफाई राउटर चालू है जिसका आपने पहले से एड्रेस दे रखा है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वाईफाई ऑन कर दिया है, वाईफाई ऑन नहीं था तो ऑन कर दिया है ये देख सकते हैं वाईफाई राउटर। और ऑन करने के बाद में वापस से मैं इसे अपडेट करूंगा। फर्स्ट टाइम आप करते हैं तब भी आपको स्कैन करना होगा, अपडेट करना होगा। करने के बाद में जैसा कि जो भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं उस वाईफाई पे ओके करेंगे, उसका पासवर्ड डालेंगे जैसे मैंने डाला और सेव पे ओके कर देंगे। सेव ओके करने के बाद में थोड़ा प्रोसेसिंग होगी और यहाँ पर सही का चिन्ह आ जाएगा जहां पर लॉक लिखा हुआ है। थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम ले सकता है। अब जैसे कि ये सही का चिन्ह आ गया है, उसे बैक आएंगे और बैक आने के बाद में अगर वेदर चेक करना चाहें तो वेदर चेक कर सकते हैं, ये भी चेक हो जाएगा। और यूट्यूब अगर आप चलाना चाहें तो यूट्यूब चला सकते हैं, यूट्यूब में जो भी आप चाहें चला सकते हैं। ये देखिए सरदार जोगिंदर सिंह, ये वाला यूट्यूब पे अभी प्ले हो जाएगा। अगर लंबा फाइल होगा या फिर वीडियो कनेक्टिविटी में जो नेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होती है तो वहां पर ऐसी दिक्कत आती है कि लंबा फाइल चल नहीं पाता है, एरर आ जाता है। यहाँ पे वीओडी में भी आप चला सकते हैं, यहाँ पे कुछ मूवीज हैं पहले से इंस्टॉल्ड है यहाँ पर, वो भी आपकी चल जाती है। ये देख सकते हैं एमएसजी और बाकी इतनी सारी मूवीज हैं। म्यूजिक में भी चल जाता है, बट अगर आप एक साथ बहुत ज्यादा होते हैं उस टाइम पे सर्वर डाउन होता है तब इश्यू हो सकता है, क्योंकि कुछ एक लास्ट टाइम सेट बॉक्स में इश्यूज आए थे तो उसका मैंने अभी पता किया कि ओनली सर्वर डाउन या नेट कनेक्टिविटी की वजह से प्रॉब्लम आती है, बाकी सारे फीचर्स अच्छे से वर्क करते हैं, किसी में कोई दिक्कत है नहीं है। यहाँ पे देखिएगा इसमें जाते हैं हॉटस्टार में, तो हॉटस्टार अगर आप चलाना चाहते हैं तो हॉटस्टार ऑप्शन पे ओके करेंगे। पॉपुलर, रोमांस, जो भी आप चलाना चाहते हैं उससे रिलेटेड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में जो भी प्ले करना चाहें वो आप प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर सीजन आ जाएगा और सीजन में से रिलेटेड वीडियो आप प्ले कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉक्स रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे नंबर 9314016900 पर।